मैं आज आपको सक्रियता श्रेणी के विषय में बताऊंगी। सक्रियता श्रेणी रिएक्टिविटी सीरीज वह श्रेणी है जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ये सक्रियता श्रेणी दिखाई गई है। इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम है और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु गोल्ड है। और इसको हम इस सेंटेंस से याद कर सकते हैं, जैसे पोटेशियम के लिए काशी, सोडियम के लिए नाथ, कैल्शियम के लिए का, मैग्नीशियम के लिए माली और एल्युमिनियम के लिए आलू, जिंक के लिए जरा, आयरन के लिए फीके, लेड के लिए पकाता, हाइड्रोजन के लिए है, कॉपर के लिए कौन, मरकरी, एचजी के लिए है, एजी, सिल्वर के लिए आगे और गोल्ड के लिए आओ। तो ये जो सेंटेंस दिया गया है, काशी, नाथ का, माली, आलू, जरा, फीके, पकाता है, तो इस सेंटेंस से हम पूरी सक्रियता श्रेणी को याद कर सकते हैं। इस सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर स्थित हैं वे ही अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापित कर सकती हैं। जैसे ये दो रिएक्शन दिखाई गई हैं। अब हमें बताना है कि कौन सी अभिक्रिया होगी और कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी। तो हमें देखना पड़ेगा एजी और जेडन का स्थान सक्रियता श्रेणी में कहाँ है। जेडन का स्थान सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है, तो यह अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करेगी। और एजी सिल्वर का स्थान सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है, तो वह अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करेगी, अर्थात कोई अभिक्रिया नहीं करेगी। इस तरह से पहली अभिक्रिया में जो एजी है उसका स्थान हाइड्रोजन से नीचे है, तो इसलिए इसकी अम्ल से कोई अभिक्रिया नहीं होगी। और जेडन का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है, इसलिए ये अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे। एक धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके लवण के जलीय विलयन से विस्थापित कर सकती है। जैसे आयरन कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में से कॉपर को विस्थापित करती है, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में आयरन का स्थान कॉपर से ऊपर है। इसका तात्पर्य यह है कि आयरन कॉपर से अधिक सक्रिय धातु है, इसलिए आयरन कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में से कॉपर को विस्थापित करती है। इसी तरह से कॉपर का स्थान सिल्वर से ऊपर है, कॉपर सिल्वर से अधिक सक्रिय धातु है, इसलिए कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में से सिल्वर को विस्थापित करता है। इसी तरह से जिंक का स्थान कॉपर से ऊपर है, अतः जिंक कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में से कॉपर को विस्थापित करता है। अब ये रिएक्शन दी गई है सबसे नीचे, कॉपर की अभिक्रिया फेरस सल्फेट के जलीय विलयन से कराएंगे तो क्या होगा। कॉपर का स्थान आयरन से नीचे है, कॉपर आयरन से कम सक्रिय धातु है, इसलिए कॉपर फेरस सल्फेट के जलीय विलयन में से आयरन को विस्थापित नहीं करेगी, तो यह अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि कॉपर आयरन से कम सक्रिय धातु है।